सत्ताईस है। कौन सिंह खेसारी लाल गुंजन सिंह दुनिया के तमाम कलाकारों को बुक करना, मथुरासी घूमत बुक करना। सुना आपने किस तरीके से गोलो राजा जवाब दे रहे हो भी स्टेज पे, मतलब एक कलाकार को शोभा देता है क्या कि इस तरीके से हम बोल करके पूरे पब्लिक को किसी एक इंसान को बदनाम कर दें? भाई मेरे, उससे उसकी रोजी रोटी चलती है। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि इस गोलू राजा की औकात है अक्षय सिंह के बारे में इस तरीके से बात करने का? औकात है, मैं औकात की बात कर रहा हूं, औकात की बात कर रहा हूं कि औकात है? इनकी क्या पब्लिसिटी है, क्या पहचान है इनकी जो इस तरीके से अक्षय सिंह के बारे में बात कर रहे हैं? मैं अक्षय सिंह का फैन नहीं हूं भाई मेरे, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से भरी सभा में पूरे स्टेज पे पूरे ऑडियंस के सामने जिस तरीके से बोला गया है, अगर आपको यकीन हो तो एक बार फिर से सुन लीजिए। खेसारी लाल गुंजन सिंह दुनिया के तमाम कलाकारों को बुक करना, अक्षरा सिंह घूमत बुक करना। तो आप क्या है, आपको कौन जानता है, कौन पहचानता है, किसके माध्यम से आपकी पहचान बनी है रे भाई मेरे? बस सिर्फ और सिर्फ एक स्टेज प्रोग्राम की वजह से। और आप स्टेज पे इतनी गंद फैलाते हैं, इतनी गंद फैलाते हैं कि इसका कोई अता पता नहीं है। और आप उस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जो अक्षर सिंह है, आपको पता भी है जरा सा भी कि अक्षर सिंह की औकात क्या है, पहचान क्या है, छवि क्या है, इमेज क्या है? अरे भाई मेरे, उसके उसके जैसा बनने के लिए आपको दो बार जन्म लेना पड़ेगा। मतलब इनके बारे में आप जानते भी हैं क्यों लेट हुए, क्या हुआ? भाई मेरे, डायरेक्टली आप ये बोलिएगा कि आप सबको बुक करिए, लेकिन अक्षय सिंह को बुक मत कीजिए। अरे उसकी उसकी रोजी रोटी चलती है, स्टेज प्रोग्राम होती है तो उससे पैसा आता है। आप डायरेक्टली उसके पेट पर लात मार रहे हैं। अरे आप उनके सामने खड़ा होने के लायक भी नहीं है, आपकी पहचान नहीं है उतनी जितनी कि अक्षय सिंह की पहचान है हर एक फील्ड में, चाहे हिंदी सिनेमा हो, चाहे भोजपुरी सिनेमा हो, चाहे किसी भी चीजों में इनकी पहचान आप जानते हैं। स्टार्ट क्या कहां से किए थे आपको पता है क्या? भोजपुरी इंडस्ट्री से स्टार्ट नहीं किए थे, बॉलीवुड इंडस्ट्री से स्टार्ट की थी अक्षरा सिंह। उसके बाद ये भोजपुरी में आकर के अपनी बेइज्जती करवा करके बैठ गई है, अपनी इमेज खराब करके बैठते कि आप जैसे लोग चमन चूतिया टाइप के इंसान अक्षरा सिंह को गाली देकर निकल जाते हैं और अक्षरा सिंह कुछ नहीं बोलती है। पता है अक्षरा सिंह इस तरीके का वीडियो लेकर के अगर थाने में चली जाएगी तो FIR हो जाएगा और आप जेल में चले जाएंगे। ये चैलेंज करता हूं, जिस तरीके से आप जिस तरीके का भाषा का आप उल्लंघन किए हैं, गोलू राजा मतलब गोलू राजा, अरे आपका क्या है भाई? अगर आप बहुत बड़े सिंगर हुए होते तो आपके गाना मतलब ऑल ओवर इंडिया में बजता है। पवन सिंह का क्यों बजता है, खेसारी लाल का क्यों बजता है, अक्षरा सिंह का क्यों बजता है भाई मेरे? आपका क्यों नहीं बजता है? कोई भी किसी भी हम किसी भी बंदे से पूछते हैं कि भाई मेरे गोलू राजा कौन है तो वो लोग नहीं जानता है। सिर्फ और सिर्फ स्टेज का बादशाह ही मानते हैं, लेकिन स्टेजे पर, लेकिन अक्षरा सिंह हर एक चीजों के बादशाह है, चाहे एल्बम हो, चाहे स्टेज हो, चाहे फिल्म हो, चाहे सीरियल हो, किसी भी चीजों पे। और उनकी पहचान की बात करते हैं आप, उनकी औकात की बात करते हैं आप, आप उनको कहते हैं कि मतलब बायकॉट करिए, किसी भी शो का बुक मत करिए। अरे महाराज, आपको शर्म आना चाहिए कि आप एक कलाकार हैं और आप भरी सभा में आप एक कलाकार को बेइज्जत कर रहे हैं। आपको अगर बेइज्जत करेगा तो आपको कैसे लगेगा? घमंड मत पालिए, स्टेज पे आप स्टेज का बादशाह है तो उसी जगह पे जो आप घमंड पाल रहे हैं ना वो भी बर्बाद हो जाएगी आपकी। बता देते पहले, किसी की आह मत लीजिए। अक्षरा सिंह को आप कितना जलील करिएगा महाराज, कितना जलील करिएगा, दुनिया जलील कर रहा है हर वक्त, किसी ना किसी बात पे अक्षरा सिंह को टारगेट कर लिया था। वो अक्षरा सिंह जो ऐसी पागल लड़की जो उसकी हर एक लोगों को बात करके इग्नोर कर, सुन करके बात को इग्नोर कर देती है, क्या है मतलब इग्नोर कर रहा तो उसका आप नजायज फायदा उठा रहे हैं। जब मर्जी तब आप किसी भी तरीके का किसी को भी उल्टा सीधा बोल के अब निकल जाएगा महाराज, आप कलाकार ने जी है? कलाकार को इस तरह से बेइज्जत किया जाता है, इस तरह से बात किया जाता है, शर्म आना चाहिए, धिक्कार है ऐसे जिंदगी पे, ऐसे कलाकारी पे धिक्कार है जो आप किसी एक कलाकार को आप समझते नहीं है, कलाकार नहीं समझते हैं, धिक्कार है ऐसे जिंदगी पे। छे थूकते हैं आपको हम गोलू राजा।